अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ अ लेक्चर फॉर क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश. टुडे वी विल डिस्कस अ मॉरल स्टोरी एंड दैट इज़ वेरी इजी स्टोरी. एवरीवन कैन राइट इट इजीली. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. नेसेसिटी किसे कहते हैं? ज़रूरत को. और इन्वेंशन किसे कहते हैं? इजाद को. ज़रूरत इजाद की माँ है. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है फिर हम उसको हासिल करने के लिए, उसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं. ठीक है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ज़रूरत इजाद की माँ है. और उसके लिए सबसे इजी स्टोरी आ थर्स्टी ग्रो है. और ये थर्स्टी ग्रो बहुत सारे बच्चों को वैसे ही आती हैं, ऑलरेडी ज़ुबानी लर्न है. तो आप लोग अगर इसको लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ थर्स्टी ग्रो एंड इट इज़ वेरी ईजी. एंड टूडे इज़ मॉरल इज़ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. So here we have a thirsty crow and there are some pictures related to it there is Urdu and English both version. You can read it and after that you will write it to your own self. It means that just take a look on the video and then you will write it. Okay, let's start. Once upon a time, a crow was very thirsty. Okay, during summer days he flew here and there in search of water but could not find water anywhere. At last he reached a garden where he found a pitcher of water. Pitcher, P-I-T-C-H-E-R, yeah, pitcher ghade ko kehte hai, theek hai, pitcher of water. But the level of the water is so low, was low in that pitcher, and his beak could not reach there. He thought of a plan and threw pebbles, P-E-B-B-L-E-S, pebbles bhi keh sakte hain, small stones bhi keh sakte hain, theek hai, into the pitcher. The level of the water increased. The level of the water increased. He drank on his to his fill and flew away. He drank water to his fill and flew away. There are the two morals. First is necessity is the mother of invention, and there is where there is will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ रहा. रा यानी कि जहाँ जिस चीज़ की आपको चाह होती है आप उसको ज़रूर चेज कर पाते हैं उस चीज़ को. ठीक है, सो दिस इज़ अ योर स्टोरी. यू वी राइट ऑन योर नोटबुक्स विथ प्रॉपर मैंशन डेट एंड डे एंड ऑल्सो फिल योर इंडेक्स पेजेस. सो स्टूडेंट, आफ्टर डैट वी हैव द ट्रांसलेशन एंड दिस इज रिलेटेड टू पास कॉन्टिन्यूस वाज वर प्लस आई एन जी फॉर्म. From the previous week, we are practicing it a lot and it means that the action was going on in the past but not completed. And formation is subject plus was, verb plus present participle. It means that ing form and plus object. So here are sentences. Amna Abbu ko pani de rahi thi. Amna Abbu ko pani de rahi thi. Amna was giving the water to father. क्या हम घर में आराम कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क. मैं कपड़े खरीद रहा था. तोता गाना गा रहा था. अम्मी कुरान पाक की तलावत कर रही थी. कुरान पाक की तलावत करना रिसाइट, R-E-C-I-T. तो यहाँ पे रिसाइटिंग आ जाएगा, R-E-C-I-T-I-N-G, रिसाइटिंग होली कुरान. ठीक है, द मदर वाज रिसाइटिंग द होली कुरान. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दीज उर्दू सेंटेंसेज ऑन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट यू विल ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश. आफ्टर दैट वी हैव सेंटेंसेज. वी हैव थ्री वर्ड्स टूडे. वी कैन से दैट वोकैबुलरी वर्ड्स यू विल सेंटेंस टू योर ओन सेल्फ. फर्स्ट वर्ड इज ब्लेम, B-L-A-M-E, ब्लेम, इल्ज़ाम देना. ब्लेम, इल्ज़ाम देना. जैसे ही इज़ ब्लेमिंग मी, वो मुझे इल्ज़ाम दे रही है. इस किस्म के आप सेंटेंस लिख सकते हैं. Consist, C-O-N-S-I-S-T, consist, मुश्तमिल होना, किसी चीज़ पर मुश्तमिल होना. लाइक आई हैव अ सेंटेंस फॉर यू, दिस बिल्डिंग consists ऑफ फोर ब्लॉक्स. कि ये जो बिल्डिंग है इसके फोर ब्लॉक्स, ये फोर ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, यानी इसके चार ब्लॉक्स हैं. Disappoint, D-I-S-A-P-P-O-I-N-T, डिसअपॉइंट, मायूस होना, किसी चीज़ से मायूस होना. ठीक है, ब्लेम, इल्ज़ाम देना, कॉन्सिस्ट, मुश्तमिल होना, डिसअपॉइंट, मायूस होना.
So these are three vocabulary words for you with proper meaning. You should have to learn by heart, and after that you will make the sentences. So students, today is your diary is do translation and make sentences of given words. You will make sentences of these on your notebook, and you will do the translation of this one, and also write and learn moral story, and write and learn the moral story, and moral story is very easy. Allah Hafiz.